अस्सलाम वालेकुम। ये देखे जी, आज मैं आई हूँ हेड कौनसा बिराज, और मेरे पीछे आपको व्यू नजर आ रहा होगा, कितना खूबसूरत व्यू है। और ये बहुत बड़ा हेड बिराज ये देखे आपको नजर आ रहा है। जल्दी से दिखाएं जी, जल्दी से दिखाएं, जरूर आए यहाँ पे कौनसा बिराज। वाह, और वो देखिए वो जो लेयर पानी की नजर आ रही है। एज यूजुअल जी, रास्ते में गुड़ की तैयारी को देखते ही मैंने कार रुकवा दी, और मैंने कहा जी ये तो हर हाल में इसकी वीडियो बनानी है, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी गुज़रो ना, जब आप ये विलेज साइड पे जाते हैं और गुड़ की तैयारी देखते हैं ना, तो दिल करता है कि आप देखते ही रहें। अच्छा, यहाँ से आगे शुरू हो जाता है तौनसा बिराज डेरा गाजी खान। तौनसा बिराज की एक लॉन्ग स्टोरी है, जिसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तौनसा बिराज की बुनियाद जो है वो 1936 में रखी गई थी, और कंस्ट्रक्शन का जो काम जारी था वो 1958 तक जारी रहा। लेकिन ये है कि जो लोग आर और पार जाया करते थे उनके लिए ये बहुत इजी हो गया था, लेकिन आप ख़ुद सोचेंगे कितना टाइम इसको लगा। और एक इसकी हिस्ट्री है, यानी कि ये हिस्टोरिकल ब्रिज है, इसको हम यही बोलेंगे। और यहाँ पर मैं पानी के बिल्कुल करीब थी लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया तौनसा बिराज को, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो कोशिश होती है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ, बहुत अच्छी अच्छी से हिस्टोरिकल प्लेसेस, अच्छे से रेस्टोरेंट्स, अच्छे अच्छे खाने। सो यहाँ पर जी इनका जो बोट का एरिया है वो ये है, मैं बोट पे भी बैठी थी, जाहिर बात है मैं कैसे पीछे रह सकती थी। तौनसा बिराज जाएं और आप कश्ती पे ना बैठें और पानी को एंजॉय ना करें तो भी उधर जाने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर आप देखें जी कि मैं किस तरीके से कश्ती में बैठ रही हूँ। अच्छा, यहाँ से कश्ती पे बैठना और फिर पानी को देखना और फिर डूबते हुए सूरज को देखना, क्या मंज़र लगता है यार। आप लोग वहाँ पर जाएं तो आपको पता चले कि कितनी खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान में, कि दिल नहीं करता कि हम लोग किसी आउट ऑफ कंट्री में जाएं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से लोग हमारे पाकिस्तान को विज़िट करने आते हैं, यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तस्वीरें। और आप यकीन करें कि आखिरकार जो लोग व्लॉग्स को कहते थे कि यार हम तो व्लॉग्स नहीं बनाते, उन्होंने भी व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान की क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्री में भी लोगों को, बैठे हुए लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आखिरकार जो है वो हमारी लाइन में लोग लग गए हैं। सो यहाँ पर आ गया था खाना, भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। सो डिफरेंट कलर के यहाँ पे ड्रिंक है और खाने हैं। सो एंजॉय करिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।